बच्चे देखो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे? मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है जैसे आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक इसे कहा जाता है, भले आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन इस इंपरेटिव सेंटेंस में हमें यह पता है, किसी एडवाइस का पता चलता है, किसी रिक्वेस्ट का पता चलता है, या किसी ऑर्डर का पता चलता है। ठीक बच्चे, किसी रिक्वेस्ट का पता चलता है। यानी जब सेंटेंस को पढ़कर हमें यह पता चल जाए कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, कोई ऑर्डर है, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। समझा बच्चे? आ रहा सुने? और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, बट उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे कहने में मैंने लिखा डोंट हेल्प मी, ऐसे हो गया। फिर मैंने लिखा डोंट यू हेल्प मी। तो बच्चे इसे देख रहे, ये मत सोचो सर जी ने बताया डोंट से स्टार्ट होगा तो इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव तब होगा जब डू नॉट के बाद डायरेक्ट मेन हो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। डोंट यू का मतलब होता है डू यू नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट। बच्चे समझ आया कि नहीं आया कि इंपरेटिव सेंटेंस से किसी आज्ञा का, रिक्वेस्ट का, आदेश का या सलाह का बोध होता है। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म। बच्चे समझना, आज हम इसकी पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती कैसी है। समझ बच्चे? चलो देखते हैं। और पैसिव वॉइस जो बने जो बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसका ऑब्जेक्ट हो, व्हाट या हुम का रिप्लाई जिसमें लिखा हो उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। मैंने कहा ही गोज टू मार्केट, वहाँ बाजार जाता है। बच्चे सोचते हैं इसकी पैसिव नहीं बनती है। क्यों पैसिव वाइज नहीं बनती बच्चे? कि वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। गोज टू मार्केट, जैसे लिखा मैंने ही गोज टू मार्केट, ठीक है, वह बाजार जाता है। वह इसे व्हाट या हुम से प्रश्न करो, व्हाट या हुम से, व्हाट या हुम से प्रश्न करने बच्चे ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करो, अगर उत्तर आता है तो बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अदरवाइज इंट्रांजिटिव होगी। मैंने कहा ही गोज टू मार्केट, व्हाट क्या जाता है, वह क्या जाता है, क्या उत्तर बाजार आएगा? वह किसे जाता है, क्या उत्तर बाजार आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वह कहाँ जाता है तो उत्तर बाजार है। तो क्या और किसे से प्रश्न करने पर, व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिला बच्चे, तो ये इंट्रांसिटिवर हुई। इंट्रांसिटिवर ट्रांसिटिव नहीं है। और जब इंट्रांसिटिवर होती तो इंट्रांसिटिवर की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती। पैसिव वॉइस बनती है तो केवल किसकी? ट्रांसिटिवर। बच्चे समझ आया? चलो देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, मैंने लिखा ओपन द डोर, इसकी मुझे वॉइस चेंज करनी। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू हिडन होता है, यू छिपा होता है। ओपन द डोर मतलब यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलो, ठीक है। इसका मतलब है यू ओपन द डोर। अगर आप कॉमा नहीं लगा ध्यान में, मैंने लिखा यू ओपन द डोर। इसका ये इंपरेटिव नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हो गया पार्टिकुलर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मतलब तुम दरवाजा खोलो, लेकिन यहीं पे कॉमा लगा दिया गया, इसका मतलब यू ओपन द डोर, मतलब तुम जाके दरवाजा खोलो, तो ये इंपरेटिव है। बच्चे समझ आया कि नहीं आया? इसमें यू ऐसे हिडन होगा, ठीक बच्चे। तो दरवाजा खोलो मतलब ओपन द डोर, समझ आया बच्चे? मुझे इसकी वॉइस चेंज करनी है बच्चे। वॉइस चेंज करने में पैसिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर ध्यान दो। मैंने कहा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड, ठीक है। मैंने बताया था बिना बी की फॉर्म के पैसिव निर्माण संभव नहीं है, इसी अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस का चेंज कर लो, ठीक है। मैंने लिखा लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द डोर, लिखेंगे लेट द डोर, ठीक है। बी की फॉर्म लिखना बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओपन। बाय यू चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, इसमें हिडन होता है। बच्चे समझ आया कि नहीं आया? लेट द डोर बी ओपन। समझ आया? इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हो बच्चे, ठीक है। इस तरीके से यू आर ordered, requested, ठीक है, advised, plus two, ऐसे बना सकते हो बच्चे, ठीक है। इस तरीके से भी जो सेंस होगा ऑर्डर का, जैसे ओपन दरवाजा खोलो, ऑर्डर का सेंस है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर मुझे लिखना हो इसकी वाइस, तो यहाँ दरवाजा खोलो का मतलब क्या? आदेश दे रहे हैं बच्चे, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द। बच्चे समझ आया? जो सेंस होगा उसी को बिना ऑर्डर ले लेंगे, रिक्वेस्ट लेंगे, एडवाइस लेंगे। बच्चे समझ आया? जैसे मैंने कहा इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो, ठीक है, पुलिस को सूचित करो। तो तुमने एक मैंने फॉर्मूले बताया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
प्लस मेन वर्ब का कौन सा थर्ड का बना लेफ्ट वाले लिखा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द पुलिस ने इन्फॉर्म मेन वर्ब हुआ बच्चे ना द पुलिस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ लिखेंगे लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म बी इन्फॉर्म समझ आया बच्चे दूसरे तरीके से पुलिस को सूचित करो तो कोई सलाह भी दे सकता है पुलिस को सूचित करने के लिए जैसे मान लो तुम्हारे घर कोई झगड़ा हो गया किसी ने कहा पुलिस मान लो सलाह दे सकता है किसी सलाह का सेंस है अगर तो लिखेंगे यू आर एडवाइज क्या कर लेंगे बच्चे यू आर एडवाइज टू इन्फॉर्म द पुलिस समझ आया कि नहीं आया इन्फॉर्म द पुलिस बच्चे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा इस तरीके से भी चेंज कर लो जो सेंस हो आप कर सकते हो ठीक है बच्चे मैंने लिखा कॉल द विटनेस कॉल द विटनेस फरियादी को बुलाओ गवाह को बुलाओ इसकी वॉइस चेंज करनी है तुम्हें ये वाला तो जिंदाबाद है ये है लिखो लेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या द विटनेस लेट द विटनेस उसके बाद बी कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लेट द विटनेस बी तुम इसे दूसरे तरीके से जज ने कहा फरियादी बोलो आदेश दे रहा बच्चे तो लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस कुछ भी करना नहीं बच्चे समझ आया कि नहीं आया आ रहा बच्चे चलो इसका नेगेटिव पार्ट देख लेते बच्चे या फिर और एक क्वेश्चन देख लेते मैंने लिखा हेल्प द पुअर क्या लिखा बच्चे हेल्प द गरीबों की क्या करो मदद करो मुझे इसकी बनानी बच्चे मैंने कहा लेफ्ट प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब का प्लस फॉर्म थर्ड फॉर्म इससे बना लो बच्चे मैंने लिखा लेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द पुअर लिखेंगे लेट द पुअर उसके बाद क्या लिखेंगे बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प समझा बच्चे आ रहा कि नहीं आ रहा है देखो इसे दूसरे तरीके से मैंने कहा हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो कोई एडवाइस ही कर सकता आदेश नहीं दे सकता बच्चे ठीक है कोई एडवाइस कर रहा तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड अच्छा यू ही क्यों लिखते हैं क्योंकि इसमें यू रिटर्न लिखा तुम्हें ही सलाह दी जाती बच्चे ठीक है तो लिखा जाता है यू आर एडवाइज टू हेल्प द बच्चे आ रहा समझ में कि नहीं आया आया समझ में निगेटिव इसका देख लेते बच्चे चलो पीछे देख लेते मैंने लिखा डोंट इंसल्ट द पुअर डोंट इंसल्ट द गरीबों की बेइज्जती मत करो गरीबों का मजाक मत बनाओ मुझे इसकी वॉइस चेंज करनी है तो बच्चे कुछ भी नहीं लेट से बना लो मैंने लिखा लेट फिर ऑब्जेक्ट लिखा ऑब्जेक्ट हमारा द पुअर है लिखने लेट द पुअर ठीक है अब बच्चे मैं देख रहा हूँ ये निगेटिव है तो बी के पहले नॉट का यूज कर लो ये निगेटिव शब्द है मैं लिखूंगा नॉट उसके बाद लिख क्या लिखूंगे बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इंसर्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे इंसर्ट है लेट द पुअर नॉट बी इंसर्ट समझ आया दूसरे तरीके से कह सकते हैं बच्चे जैसे मैंने कहा डोंट इंसल्ट द पुअर गरीबों की बेइज्जती मत करो इसको बोले एडवाइस कर रहे हैं एडवाइस है ना तो जैसा मैं तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड निगेटिव सेंस है तो टू के पहले नॉट के यूज नॉट टू इंसल्ट द नॉट टू इंसल्ट द बच्चे समझ में आया कि नहीं आया आया भाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द मैंने लिखा डोंट मैंने कहा उसे मत बुलाओ मैंने लिखा डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ तुझे इसकी वॉइस चेंज करनी बच्चे उसी तरीके से डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ हो सकता है आदेश लिख लो यू आर ऑर्डर्ड यू आर क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड Not to call. बच्चे समझ में आया कि नहीं आया आया कि नहीं आ रहा आया फिर मैंने लिखा डू नॉट हेट द पुअर डू नॉट हेट द पुअर गरीबों से घृणा मत करो सलाह है कुछ नहीं करो लेट मुझे चाहिए और यू आर एडवाइज टू हेट द निगेटिव सुनना कर लोगे अब आपका
उस इंट्रांसिटिव वर्ब जैसे पैसे वर्ड देखो वैसे बनता नहीं इंट्रांसिटिव कैसे बना जाता वो बनता उसका नहीं लेकिन बच्चे याद रखते हैं वही बनता ध्यान दें जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा गो और लिखा क्या इन दोनों गो में कोई डिफरेंस है इन दोनों गो में बच्चे डिफरेंस है बिल्कुल डिफरेंस है बच्चे ये गो एक केवल वर्ड है क्या है वर्ड है और ये एक सेंटेंस है ये गो एक केवल वर्ड है जिसका मतलब जाना वर्ब है और ये सेंटेंस गो है गो का मतलब जाओ यू गो तुम जाओ ये एक सेंटेंस है तो सबसे छोटा सेंटेंस जो होता है बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है पक्का तो बच्चे मुझे इस गो में डिफरेंस है क्या पता चला बच्चे कि गो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है ये क्या है वर्ड फुल स्टॉप रखने से क्या बन गया सेंटेंस बन गया समझ आया बच्चे अब मुझे इसकी वॉइस चेंज करनी है इसका तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक वर्ड है वर्ड की हम वॉइस नहीं चेंज करते अब मुझे इसका वॉइस इसे पैसिव में बनाना है बच्चे तो पैसिव में कैसे बनेगी ये देखना है अब लेकिन हम तो जानते हैं बच्चे लेकिन पैसिव वॉइस तो इसका आता भी है लेकिन हम पहली बात तो जानते हैं इस वर्ब की पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं गो वर्ब की पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं बच्चे क्योंकि गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है मैंने कहा किसी वर्ब मैंने कहा आई राइट अ लेटर या आई रोट अ लेटर मैंने एक पत्र लिखा व्हाट डिड आई राइट मैंने क्या लिखा पत्र लिखा अगर उत्तर आ रहा बच्चे अगर उत्तर आ रहा वाट या हुम से प्रश्न करो उत्तर आ रहा है बच्चे वो वर्ब ट्रांसिटिव होगी और अगर उत्तर आ रहा है तो पैसिव वॉइस की बनेगी क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है इंट्रांसिटिव वर्ब की नहीं तो वो मतलब जाना क्या जाना किसे जाना उत्तर आएगा बोलो क्या जाना किसे क्या उत्तर आएगा तो यही इंट्रांसिटिव वर्ब बच्चे इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती मैंने कहा ही डांस इन द पार्टी उसने पार्टी में डांस किया उसने क्या डांस किया कहोगे पार्टी में नहीं किसे डांस किया पार्टी उत्तर नहीं यार इवर इंट्रांसिटिव है तो इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो वो भी हमारा एक इंट्रांसिटिव वर्ब है बच्चे और इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव एक बार अगली बार वीडियो बना देंगे बच्चे तो वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब वास्तव में इसकी पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है और इसकी जो पैसिव मैंने कहा गो जाओ सेंस क्या आदेश का सेंस है ना जाओ तो आदेश का सेंस है उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे यू आर ऑर्डर्ड You are ordered to ये बन ले लो लेकिन अगर कोई कहे क्या गो वर्ग की पैसिव वॉइस बनी है नहीं बच्चे गो वर्ग की पैसिव वॉइस नहीं बनी है पैसिव वॉइस तो ऑर्डर वर्ग की बनी है समझ आया उसे केवल उसका सेंस दिया गया बच्चे क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ग की कभी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है समझ आया अगर कोई आपसे कहता भैया क्या गो वर्ग की पैसिव बनाया हो गो वर्ग की थोड़ी बनी है ये ऑर्डर वर्ग की बनी है बच्चे समझ आया कि नहीं आया आया पक्का चलो मैंने कहा डांस मैंने लिखा डांस ऐसे लिखा डांस मतलब डांस करो नाचो तो मैंने लिखा डांस है नहीं नाचो तो यहाँ भी क्या इसका पैसिव बनना संभव इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती बच्चे तो इंट्रांसिटिव वर्ब की जब पैसिव वॉइस नहीं बनती तो इसे बनाना वही सेंस के अकॉर्डिंग नाचो अब हो सकता है ये आदेश भी हो सकता है कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो ठीक है हो सकता है नाचो यार हो सकता है रिक्वेस्ट हो सेंस जो आपका कहना चाहो तो लिखेंगे रिक्वेस्ट अगर है तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डांस अगर कोई पूछे क्या डांस वर्ग की पैसे मेरी डांस को भी काम ना अगर पैसे वाइज डांस वर्ग की होती है उनके थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता थर्ड फॉर्म तो ये अर्थात रिक्वेस्ट वर्ग की पैसे बनी क्योंकि उसका सेंस दिया गया वहाँ आया कि नहीं आया बच्चे मैंने लिखा प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो तो ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी है तुम जान ही रहो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी समझना बच्चे कोई दिक्कत आपका नोट कर लो